खबरों का। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में काश्तकार जो हैं पहले से ही कोरोना काल की वजह से मुसीबत में थे, लेकिन मई माह में हुई ओलावृष्टि ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इसी पर हम बात करेंगे कष्ट में काश्तकार सुधलो सरकार। उत्तराखंड बनने के 20 साल बाद भी नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी मुक्तेश्वर ओखल कांडा क्षेत्र में उपमंडी नहीं बनने से पहाड़ के काश्तकारों को अपने फल और फसल हल्द्वानी की मंडियों में औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती हैं, जिस कारण काश्तकारों को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। कोरोना काल में जहां राज्य में पर्यटन कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया, तो वहीं इस बार काश्तकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मई माह में हुई ओलावृष्टि के बाद पहाड़ों में बचे हुए फलों की खेती में खराब होने की चिंता काश्तकारों को सता रही है। देखिए रिपोर्ट। 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर हल्द्वानी की मंडी में अपने फल फसल को बेचने जाना पड़ता है, ऐसे में उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। क्षेत्र के काश्तकारों के मुताबिक उनके क्षेत्र के हर ब्लॉक में उप मंडी बन गई तो उनको उनकी फसल और फल का अच्छा दाम मिलेगा, जिससे गांव से हो रहे पलायन पर रोक लगेगी, साथ ही स्थानीय लोगों को गांव में ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। अगर क्षेत्र है अपना 2-3 ब्लॉक जो है, रामगढ़ ब्लॉक, धारी ब्लॉक और ओखलगांडा ब्लॉक, ये सारी यहाँ पर मंडी कर लेते, अपना ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बच जाता उनका, उससे काश्तकार को इतना फायदा होता। पुराने वालों को इस समय वही, अब इस समय जो जनता जागरूक हो चुकी है, हमारा इस बार उनसे सवाल रहेगा कि भैया पहले पुराने वादे आपने पूरे नहीं कर रखे, तो दोबारा आप हमारे पास किस उम्मीद लेकर आए हैं। फल फ्रूट का रेट नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति हो रही है और जो फल था वो फट गया है, बारिश बहुत हो गई है, दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं, अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट पे, यही दिक्कतें हैं। तो यहाँ से कैसे फलों को मंडी तक? मंडी तक ये पास बने हुए हैं ट्रकों के, जिनने पास बनाए वो ले जा रहे हैं, अगर ज़्यादा फल हो गया वो छोड़ भी जा रहा है, ऐसी दिक्कत है। ग्रामीण काश्तकारों की रोजी रोटी पर संकट आते ही विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का कहना है, पहाड़ में उपमंडियां न होने से काश्तकारों को कोसों दूर अपनी फल और फसल को बेचने के लिए जाना पड़ता है, बावजूद इसके काश्तकारों को उनकी फसल का अच्छा दाम नहीं मिल पाता। कांग्रेस का कहना है कि आज कोरोना काल के चलते किसानों की फसल आए दिन खराब होती जा रही है, ऐसे में कृषि मंत्री को इस ओर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द समाधान का ध्यान देना चाहिए। आज पर्वतीय अंचल के काश्तकार के सामने अपनी आजीविका चलाना एक बड़ा सवाल बन गया है। मंडियों की नदारद होने से, उपमंडियों की घोषणा लगातार होती रही है, वो न होने से, विपणन की सुविधा न होने से, लगातार जो इस समय फल फ्रूट का मौसम है, लोगों को अपना सामान खरीदार तक पहुंचाना है, लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते वो नहीं पहुंचा पाया जा रहा है, और जो माल सड़ गल जाता है उसको भी उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे में उनके आगे एक बहुत बड़ा संकट आज सामने आ गया है। कृषि मंत्री जी को, सुबोध उनियाल जी को इस तरफ ध्यान देना होगा। पर्वतीय अंचल का किसान आज भूखों मरने के कगार पर आकर खड़ा हो गया। मामले पर कृषि मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुबोध उनियाल का कहना है कि किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार द्वारा लगातार जारी है। इन 6400 समूहों में काम करने वाले किसानों के उत्पाद को ऑर्गेनिक आउटलेट के माध्यम से सीधे सीधे जो हमारे राज्य में 7 करोड़ के आसपास जो पर्यटक आता है, उससे जोड़ने का हमारा एक संकल्प था कि किसान जो उत्पादक है और जो पर्यटक है वो कंज्यूमर के रूप में सीधे एक दूसरे से जुड़े और जो उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पाद हैं ऑर्गेनिक, उनकी मार्केटिंग करके किसान की, जहां एक और किसान की आय को बढ़ने का अवसर मिले, वहां दूसरी ओर वो सभी पर्यटक हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर बनके हमारे उत्पाद को पूरे देश में ले जाने का काम करें, ताकि हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद की डिमांड बढ़े, वो एक ब्रांड के रूप में चलती हो। उत्तराखंड बनने के बाद यहां दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से सत्ता में अपना पांव जमाया, लेकिन इन ग्रामीणों की सुध किसी ने नहीं ली, जिस वजह से आज काश्तकार बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हो गया है। के न्यूज के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।
तो जहां पहले कोरोना काल में काश्तकार पहले ही से मुसीबत में थे, उसके बाद अब जो है फिर से ये मई माह में ओलावृष्टि हुई, उससे इनकी परेशानी और बढ़ गई। हालांकि सरकार का कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रही, लेकिन प्रयास जो है वो फलीभूत कब होंगे ये कुछ नहीं पता। इसके पहले भी कई सारी सरकारें उत्तराखंड में रही हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन किसी ने भी उपमंडी बनाने की जहमत नहीं उठाई। उपमंडी अगर पहले बन जाती तो कई किलोमीटर जो किसानों जो काश्तकार हैं उनको हरिद्वार जाना पड़ता है, वो ना जाना होता और उनकी जो फसल के दाम हैं वो भी उनको अच्छे मिल पाते। इसके लिए किसी ने भी कोशिश नहीं की। इन्हीं सब सवालों की को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। जो भाजपा पार्टी एक तरफ कहती है कि हम उनके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको लेकर कोई बात नहीं करता। सरकारें दोनों की रही हैं, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, लेकिन काश्तकार के लिए कोई भी आगे अब तक नहीं आया है। इस वक्त जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है और वैसे भी जो काश्तकार हैं मुसीबत में हैं, ऊपर से जो ओलावृष्टि हुई है उसने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं, तो काश्तकारों को लेकर जो मुसीबतें हैं बढ़ती जा रही हैं। उपमंडी ना होना भी एक बड़ा मुद्दा है। काफ़ी सालों से काश्तकार सरकार से बोलते रहे कि उपमंडी की व्यवस्था की जाए और एक नहीं कई उपमंडी नैनीताल के आसपास बनाई जाएँ, ताकि उनको कई किलोमीटर दूर तक ना जाना पड़े और उनको जो बचत है वो भी ज़्यादा होगी। इसके लिए सरकार तमाम दावे करती है, जब चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम काश्तकारों के लिए आगे आएंगे, लेकिन फिर जब सत्ता में आ जाते हैं वो सब वादे और दावे सब भूल जाते हैं, कहीं किसी को कुछ नहीं याद रहता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। विपिन कैंथोला हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर स्वागत है आपका। गरिमा दसौनी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, मैम स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी से संजय भट्ट हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विपिन जी आपके पास आऊँगा। एक तो पहले से ही मुसीबत में थे काश्तकार लॉकडाउन को लेके, और अब ऊपर से जो मई में ओलावृष्टि हुई है मुसीबतें उनकी और बढ़ गई हैं, क्या सरकार को उनकी मदद के लिए आगे नहीं आना चाहिए? देखो इस समय हम सब लोग पता है पूरा देश इस समय कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हम सब लोगों को पता है और हम लॉकडाउन में है ये भी हमें पता है, लेकिन आप सब लोग और हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड जो है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश। उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से जो मौसम जिस प्रकार से चेंज हो रहा है और जिस प्रकार से ओलावृष्टि भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो निश्चित रूप से नुकसान होना लाजमी है। सरकार इसका आकलन करेगी, जैसे जैसे जहां जहां पर जो नुकसान हुआ है वहां के किसानों को किसी भी तरीके से सरकार छोड़ने वाली नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए, उनको लाभ उनको उनकी फसल का नुकसान न दिया जाए, ऐसा नहीं है। सरकार निश्चित रूप से किसानों के साथ खड़ी है और हमारी सरकार तो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो किसानों के साथ खड़ी है। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, प्रत्येक किसानों के खातों में जो है केंद्र सरकार ने जो है किसान सम्मान निधि, जो आप सब लोगों को पता है, हमें भी पता है, किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में दी है। अभी हमने 25,000 किसानों को जो है फ्री जो 0% लोन है उसमें 3-3 लाख रुपए का जो है वो भी लोन भी दिया है। निश्चित रूप से देखिए जो ओलावृष्टि है और जो नुकसान होता है या सूखा होता है, इसका एक आकलन सरकार जरूर करेगी। निश्चित रूप से जिस जिले में ये चीजें हुई है वहां के जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित भी किया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी वहां के किसानों को का जो नुकसान है उसकी भरपाई करने का काम सरकार करेगी। लेकिन विपिन जी सवाल तो वही ना, जब आपके कृषि मंत्री से बात की जाती है इस बाबत वो बात को दूसरी जगह ले जाते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ और सवालों के साथ, ब्रेक के लिए फौरन उसके बाद वापस आएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिक्कतें काफी आ रही हैं, अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट में। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू इतना क्यों खांस रहे हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है।
मिर्च से दवाई लूंगा। और राजू हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे दो तीन दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं दो तीन दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच ना करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है। समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। न्यूज़ खबरों का सारथी। दिक्कतें काफी आ रही हैं, अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तराखंड के काश्तकारों की, जो पहले से ही मुसीबत में थे, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। हम गरिमा जी के पास आएंगे। गरिमा जी, जिस तरह से बात करें, अगर विपिन जी कह रहे हैं कि सरकार मदद करेगी, लेकिन कब मदद करेगी? क्योंकि परेशानी तो अभी है ना, और जब आप कृषि मंत्री से बात करते हैं तो मुद्दे को दूसरी तरफ घुमा देते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करने लगते हैं। अन्नदाताओं के प्रति, किसानों के प्रति, हमारे समाज में तीन लोगों को भगवान के समकक्ष रखा गया है। एक किसानों को, एक डॉक्टर्स को और एक शिक्षक। तो ये जो हम ईश्वर तुल्य जिनको मानते हैं, उनके प्रति इनकी भाजपा सरकार की क्या नीति, क्या नियत, क्या मंशा है, वो आपने देख लिया गाजीपुर बॉर्डर पे। जिस तरह से आज 6 महीने से ऊपर, टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, ये किसान 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपने कानों में तेल और रुई डालकर कुंभकर्ण की नींद में सो गई। और लगातार हम ब्लैक डे मना रहे हैं, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, और बहुत ही दुखद विभत्स दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जो शायद आजादी के इतने सालों बाद हमने कभी नहीं देखे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के काश्तकारों की। तो केवल विपणन की समस्या या मंडी तक सामान पहुंचाने की समस्या नहीं, जो उनका माल सड़गल जाता है था मौसम की बरसात से, ओलावृष्टि से, वो भी बहुत प्रयोग में आता था। किसी का सिरका बनाया जाता था, जैम जेली बनाया जाता था, सॉस बनाया जाता था, कई चीजों में वो प्रयोग में आता था। आज वो उनका बर्बाद बुरा है। वो लगातार कह रहे हैं कि हमारा सामान हमारे पास ही सड़गल जा रहा है और कोई उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। अब टेंटुला जी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक तो सफेद झूठ इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जिला अधिकारियों को निर्देश हो गए हैं। जिला अधिकारियों को, जो मैंने पता किया, कम से कम काश्तकारों को लेकर कोई शासनादेश नहीं जारी हुआ या मुख्यमंत्री का कोई निर्देश कम से कम किसानों को लेकर तो जारी नहीं हुआ है। किसानों को लेकर ये सरकार कभी भी संवेदनशील नहीं रही, जबकि ये कड़वा सच है हमारे देश का कि जब जब पूरा देश, पूरा पूरा विश्व रिसेशन में जाता है, मंदी में जाता है, हमारे देश को केवल हमारे देश के किसान बचाते हैं। 70% हमारे देश में किसान है और उनके कंधों पर हमारी आर्थिकी टिकी हुई। और खासकर भौगोलिक विषमताओं की बात जो टेंटुला भाई ने यहाँ पर कही, तो हिमाचल भी हमारी तरह ही कमोबेश भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है। वहां इतनी खूबसूरती से कैसे फल सब्जी और फूलों का वितरण हो जाता है या इतना अच्छा बिजनेस फल फूल रहा है लोगों का, वो भी उसी विषमताओं से जूझ रहे हैं जो हम जूझ रहे हैं। लेकिन बस बात यह है कि सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति है, सरकार में किसानों का भला करने का, विकास करने का एक मंशा है। इसके तहत यहाँ हमारी सरकार तो कोरोना का उपचार कराते कराते ही इतनी धराशायी हो गई है या इतना फटी हो गया है सरकार को कि बाकी कोई प्रॉब्लम सरकार को दिख नहीं रही है। चाहे वो किसानों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो चारधाम के अंतर्गत हमारे और बाकी जो सेक्टर्स हैं, परिवहन और पर्यटन सेक्टर के लोग, जो आज उनके आजीविका पर एक लात पड़ी है,
आज महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, दूसरा महामारी ने एक तरह से लोगों को डिप्रेस कर रखा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो चौतरफा देखे, जो अपना विकास का दायरा है उसको बढ़ाने का सोचे। एक तो बिल्कुल सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ महामारी पर केंद्रित होकर उसको भी उतने अच्छे ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है, लेकिन वही महामारी के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से कर्फ्यू वगैरह की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो लोगों को अपना अनाज, अपना जो पैदावार है उसको खरीदार तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, क्योंकि वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, चालान कट रहे हैं। तो ऐसे में जो सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं इस महामारी से और लोगों को जो कष्ट आ रहे हैं, उस पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित हो, ये बहुत जरूरी है। सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो ऐसा लग रहा है कि भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सही तस्वीर जो है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का भी वो विजन काश्तकारों के प्रति दिखाई नहीं पड़ रहा। आपने सुबोध उनियाल जी, अगर सुबोध उनियाल जी में जरा सा भी संवेदन, गरिमा जी इसके साथ ही अगर ये तो बात हुई कि इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति की वजह से ऐसा हो रहा है, बारिश हुई, लेकिन इसके उलट अगर दूसरी बात करें, कई सालों से जो उपमंडी की समस्या बनी हुई है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट रही हो चाहे बीजेपी की, तो आपके समय में भी उनसे वादे किए गए उपमंडी बनेगी, लेकिन उपमंडी तो अभी तक नहीं बनी है। बिल्कुल, हमारे समय पर कुछ धन स्वीकृत भी हुआ था उपमंडियों के लिए, और मैंने स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी को एक पूरी स्टडी, एक पूरी रिसर्च उत्तराखंड विजावी हिमाचल प्रदेश एक पूरी स्टडी करके दिया था कि क्या हमारे वहां कमियां हैं, क्या हम किन कमियों को दूर कर सकते हैं, और हिमाचल की बराबरी हम अपने पैदावार को लेकिन गरिमा जी अभी तक बनी तो नहीं ना उपमंडी। आपने प्रयास जरूर किए लेकिन अभी तक नहीं बनी ना। दोनों लोग शासन में रहे, आपके पास वापस आएंगे, संजय जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सत्ता में आसीन रहे हैं, लेकिन जो उपमंडी की बड़ी समस्या रही है, क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई विजन, कोई रोडमैप है कि उपमंडियां बनाई जाए अगर आप सत्ता में आते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है, छह महीने हो गए 26 मई को, और किसान लगातार दिल्ली के चारों ओर विभिन्न बॉर्डरों पर बैठकर अपना आंदोलन कर रहे हैं। उस समय भी किसानों की मदद दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने लगातार किसानों की वहां मदद की, चाहे किसी भी प्रकार पानी पहुंचाना हो या जो उनके शौचालय की प्रॉब्लम थी या दूसरी प्रॉब्लम थी, हर किस्म की जो मदद किसानों को की जा सकती थी वो किसानों को मदद की गई। दूसरी बात, जहां आप उपमंडी की बात कर रहे हैं तो ये भी समझना होगा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। जो तराई के हमारे इलाके हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या नैनीताल जिला, तो उनकी किसानों की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन पहाड़ी जो किसान हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर हमारे जो सरकारें रही या कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, कांग्रेस भी 10 साल रही, भाजपा को लगभग 11वां साल है, तो पहाड़ के जो किसान हैं वो परेशान हैं आज बंदर से, सुंगर से, भालू से। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, संजय जी वापस आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन लेकिन क्या, बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000
वेंटिलेटर केयर पर 12,000, आईसीयू वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर एनएबीएच मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, आईसीयू वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और पीपीई किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तराखंड के काश्तकारों की, जिनके पास फसल को बेचने का संकट गहरा गया है। वापस आएंगे अपने मेहमानों के पास। हम संजय जी से बात कर रहे थे। संजय जी, गरिमा जी ने एक अच्छी बात कही हिमाचल प्रदेश की, जहां वहां भी फलों का काफ़ी व्यापार होता है, काफ़ी पैदावार होती है, उनके पास ऐसी समस्या नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल का जो मॉडल है वो क्या उत्तराखंड में नहीं लागू हो सकता? देखिए, मैं वही बात कर रहा था। पहले तो जो समस्याएं हैं पहाड़ के किसान की, वो मैं कहना चाह रहा था कि पहाड़ के किसान की समस्याएं कुछ अलग हो चुकी हैं। पहाड़ के किसान को एक तो प्रॉब्लम आती है जो बंदर उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं, दूसरा सुंगर बोलते हैं जिन्हें, सुअर बोलते हैं, वो उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं, तीसरा भालू उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं। यानी पहाड़ का किसान जो चीज भी बोता है उसको ये लोग खोद देते हैं, उखाड़ देते हैं या फसल को बर्बाद कर देते हैं। उसकी तरफ किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। ये सोचने प्रश्न है कि उनको कैसे निजात मिल पाए, उसके बारे में सोचना होगा सरकारों को कि भाई उनको कैसे निजात मिल पाए। और जो आपने अभी हिमाचल की बात की, या गरिमा जी ने भी हिमाचल की बात की, वहाँ सेब की अच्छी पैदावार होती है और वहाँ सेब की अच्छी पैदावार के लिए वहाँ की सरकारों ने भी प्रयास किया और वहाँ के लोगों ने भी प्रयास किया। यहाँ उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी में जो सेब था उसमें जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हमारा सेब किसी के सामने टिक नहीं पा रहा है, इसलिए इसे डेनिश शराब युक्त बनाई जाएगी। और उससे शराब बनाने का काम, हरीश रावत जी का कहना था कि हमने डेनिश शराब बनाने का काम किया है। हिमाचल उत्तरकाशी है और उत्तराखंड के सेब और सड़े गले फलों से और सेबों से। तो ये अपनी अपनी सरकार की सोचना है और कोशिश की है पूर्व की सरकारों ने कुछ ना कुछ, लेकिन वो कोशिशें असफल रही। तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनपे क्या फसल होनी चाहिए, क्या नहीं फसल होनी चाहिए, उसके लिए टेक्निकल लोगों की एक टीम बनाई जानी चाहिए, लेकिन कोई भी टेक्निकल टीम नहीं बनाता। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि शराब के लिए माल मिल जाए इसके लिए कर देते हैं कि इनके फलों का किस शराब बनेगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि उसमें मोटा प्रॉफिट उन सरकारों को या सरकारों से जुड़े हुए लोगों को हो जाता है। तो ये सब बातें सोचनी होगी। ठीक है, विपिन जी आपके पास आएंगे। क्या एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो नेता और मंत्री तमाम बातें करते हैं, निर्देशित करते हैं अधिकारियों को कि उनके बीच जाएं और उनकी समस्याएं सुने, उनका समाधान करें, तो अधिकारियों की लापरवाही भी एक बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है उत्तराखंड में काश्तकारों के लिए? देखिए, हमने अभी आपको, मैं आपके कुछ समय पहले ले जाऊं कि जो हमारी जो मांचल से जुड़ी हुई बेल्ट थी वहां पर हमने ग्रोथ सेंटर, जो छोटे ग्रोथ सेंटर है क्षेत्र पंचायत स्तर पर जो है ग्रोथ सेंटरों को बनाने का काम किया और लगभग 104 जो है ग्रोथ सेंटर इस समय उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं और मंजूरी लेकर के काम कर रहे हैं। इसी तरह 30,000 लोग जो किसान है उससे लाभान्वित। अभी धीरे धीरे सरकार ने जो रोल मॉडल उस बेल्ट में किया, जो हिमाचल की तभी हुई बेल्ट है, उसमें जिस प्रकार से ग्रोथ सेंटर हमारे सफल हुए हैं, सरकार बड़ी संख्या में उत्तराखंड के पूरे प्रदेश के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और हम तो इसीलिए के जो कृषि कानून जो है केंद्र सरकार लेके आई थी कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे किसान हैं, आप देखिए 5 हेक्टेयर से कम वाले जो किसान हैं जिनकी जोत छोटी है वो 86.7% जो है देश के अंदर छोटे किसान है,
उन्हीं किसानों के लिए जो हम कृषि बिल जो है लेकर के आए थे। और लेकिन आपको पता है पूरा विपक्ष किस प्रकार से उस कृषि बिल के पीछे पड़ गया है और क्या 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 वो चीजें चल रही हैं। हमारा जो काम है इस समय, हमारी जो सरकार का काम है, निश्चित रूप से हम छोटे किसानों को किस प्रकार से बिल अलग है, बिल की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुसीबत में है काश्तकार, उनकी समस्या ये है अभी उनको क्या सरकार मदद पहुंचाएगी आर्थिक रूप से, ये बड़ा सवाल है। आप लगातार कह रहे हैं मदद की बात कर रहे हैं लेकिन अभी मदद उन तक नहीं पहुंच रही। फिलहाल समय का अभाव है, आप लोग हमसे जुड़े आपका शुक्रिया, संजय जी, गरिमा जी आपका भी शुक्रिया और विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे काश्तकारों की उत्तराखंड में, जहां वो पहले से ही मुसीबत में थे और जो ओलावृष्टि उसकी उसने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी। हालांकि सरकार की तरफ से मदद की बात कही जा रही लेकिन कब मदद मिलेगी ये पता नहीं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।